ये पुणे यूनिवर्सिटी में बैठे वाले और प्रज्ञा प्रबोधिनी से लेके मानस शास्त्र के अंदर में जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, काली टोपी वालों को ओपनली चैलेंज कर रहा हूं पुणे से। अगर आपके माई ने अपने दूध पिलाया है और आप कहते हो कि भूदेव ब्राह्मण हमको अकल है, तुम्हारी छोटी में ज्यादा अकल है, तो एक घंटे के लिए मेरे आगे नेशनल टेलीविजन के ऊपर लाइव। अपने तल्ख तेवर और त्वरित टिप्पणियों से कहीं ज्यादा प्रमाणिक और तथ्यात्मक विश्लेषणों पर आधारित राजनीति के लिए प्रख्यात हो चुके एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने पुणे में ब्राह्मणवादियों को ओपनली चैलेंज किया। उन्होंने अपने बौद्धिक चैलेंज में कहा कि पुणे के भीतर मानस शास्त्र का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मणवादियों को वे एक घंटे के डिबेट में निरुत्तर कर सकते हैं। विजय मानकर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत भले ही तेजी से ग्रोथ कर रहा हो, लेकिन भारत को जॉबलेस ग्रोथ में जाने से नहीं रोका जा सका। इसका प्रमुख कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फुलनॉमिक्स है। इसके साथ ही उन्होंने राफेल मामले में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की किताब इंडिया अनमेट का हवाला देते हुए मोदी सरकार के राफेल डील पर सवाल उठाए। अब ये प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम, ये पुणे के अंदर आया था कोई यूनिवर्सिटी में 2014 में, अरे यहाँ भटाड़ने लोकानी मोदी ला डिक्लेयर केला होता, मोदी मोदी मोदी, हमारा हीरो आ गया, हमारा सुपरमैन आ गया। हे तुमचे भटाळलेले लोक होते पुण्यातले, कोणत्या इन्स्टिट्यूशन मध्ये 14 मध्ये त्याचा लॉन्चिंग सेरेमनी झाला होता मला नाही माहिती। ये पुणे युनिव्हर्सिटी में बैठे वाले और प्रज्ञा प्रबोधिनी से लेके मानस शास्त्र के अंदर में जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, काली टोपी वालों को ओपनली चैलेंज कर रहा हूं पुणे से। अगर आपके माई ने अपने दूध पिलाया है और आप कहते हो कि भूदेव ब्राह्मण हमको अकल है, तुम्हारी छोटी में ज्यादा अकल है, तो एक घंटे के लिए मेरे आगे नेशनल टेलीविजन के ऊपर लाइव आ जाओ। एक घंटे के लिए मेरे आगे नेशनल टेलीविजन पे लाइव लाओ। नरेंद्र मोदी को मत लाना, जेटली को लाओ, सुषमा स्वराज को लाओ, और भागवत जी को भाई मत लाना, वो मागो वैद्य था ना उसको लाना। एक घंटे के लिए नेशनल टेलीविजन पे लाना, लेकिन कट एडिटिंग नहीं होगी, लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। और एक घंटे के अंदर पता कर लेने दो कि एरियल और एंटीना को दिमाग आता है या अंबेडकराइट लोगों को दिमाग होता है देश के अंदर। एक घंटे के अंदर जो है डिसाइड कर लेने दो, ये भीमा गोरेगांव की लड़ाई हो गई 1818 में, विजय मानकर हथियार से लड़ने वाला नहीं है। मुझे मालूम है कि हथियार से क्रांति नहीं आएगी। मैं संविधान में बिलीव करता हूं, मानव अधिकारों में बिलीव करता हूं। लोग कहते हथियारों से क्रांति आएगी, मारपीट से क्रांति आएगी, मैं कहता हूं क्रांति लड़ाई से नहीं आएगी, हथियार से नहीं आएगी, क्रांति आएगी दिमाग चलाने से, क्रांति आएगी दिमाग चलाने से, कलम चलाने से और बटन दबाने से, और बटन दबाने से। तो ये जो है मोदी को लॉन्च किया ये पुणे के लोगों ने और कहा अरे बाप रे, हा तो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड पेक्षा मोठा आला, हा भारताला काय बनवणार, सुपर पॉवर बनवणार। अरे भटाळलेल्या लोकांनो, तुमको इतना नहीं मालूम, तुम कहते हो 2 करोड़ हम जॉब देंगे, अरे 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 10 लाख भी रोजगार देना है तो इंडिया शुड ग्रो एट द रेट ऑफ मोर देन 8% ऑफ GDP अप टू 10%। अगर 8% से 10% आपकी वृद्धि की दर नहीं है तो आप 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। ये आदमी कहता है मैं 2 करोड़ लोगों को दूंगा, स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल सेक्टर को बैठा दिया, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लोगों ने छोटी फैक्ट्री बंद कर दी, जो टेक्नीशियन था, वेल्डर था, पीटर था, वो ऑटो रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है। मोदी सरकार ने जो स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल की इंडस्ट्री थी उसको नस्तनाबूद कर दिया देश के अंदर में, और GST के गलत रेट से और GST के गलत रिटर्न से जो छोटा उद्योगपति था सड़क के ऊपर बैठा, उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया और बड़े कंपनी के तरफ वो अर्थव्यवस्था को डाइवर्ट किया। राफेल डील के ऊपर एक ही बात मैं कहूंगा, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हम रिस्पेक्ट करते और करते रहेंगे, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राफेल प्राइस के प्राइसिंग के ऊपर कोई भी CAG की रिपोर्ट को नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, जिस तरह से ये मेरे पास 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बिल है,
उस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर भी मेरे बैग में रखा हुआ है, मैंने उसको पढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में, माननीय न्यायालय ने एक भी वर्ड नहीं लिखा कि इसका प्राइस क्या था। यशवंत सिन्हा जी जो इनके पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर है, जयंत सिन्हा के फादर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, उन्होंने एक किताब लिखा है इंडिया अनमेड। वो इंडिया अनमेड में यशवंत सिन्हा जी ने डिटेल रिकॉर्ड दिए हैं कि नवंबर 2016 में जो स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेंस है, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेंस है, उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा कि इस जहाज की कीमत वेपन्स के साथ, एवियोनिक्स के साथ 650 करोड़ है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट में कहता है 2016 में नवंबर में कि इस जहाज की कीमत 650 करोड़ रुपया है। 650 करोड़ रुपए का जहाज 1650 करोड़ कैसे हो गया? ये अर्थशास्त्र ये दुनिया में किसी को नहीं समझा। सीएजी की रिपोर्ट अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पार्लियामेंट में नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लाइन नहीं लिखा, और मोदी सरकार कहती है कि राफेल के अंदर में हम लोगों ने जो है वो कोई घोटाला नहीं किया। तो साथियों, ये गवर्नमेंट ने हमारे देश के अंदर में बेरोजगारी लाई, छोटे उद्योगपतियों को खत्म कर दिया, स्मॉल और मिडिल स्केल को खत्म कर दिया, हमारे युवाओं को, लड़कों और लड़कियों को बेरोजगार जो है वो कर दिया, और ये पैसा अंबानी अडानी जैसी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर है उनको ट्रांसफर किया। ये मोदीनॉमिक्स नहीं, ये कास्ट कैपिटलिज्म का मॉडल है। ये मोदीनॉमिक्स नहीं, जातीय भांडवलशाही सा मॉडल है जो मोदी गवर्नमेंट ने केलं, आणि म्हणून याला इकोनॉमी को कास्ट कैपिटलिज्म के ठीक करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है।